सो हेलो पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है अनदर चैप्टर के अंदर, अनदर एपिसोड के अंदर ऑफ पोकेमॉन रेड एडवेंचर चैप्टर। आज के एपिसोड में हम लोग रिवील करेंगे कैस्केड जिम बैच को और देखेंगे पूरी की पूरी सरुलियन सिटी, या फिर हम लोग जिम बैच को भी बैटल कर सकते हैं, मतलब जिम बैच के लिए भी बैटल कर सकते हैं। पता नहीं क्या करेंगे आज के एपिसोड में, तो देखते हैं क्या होने वाला है। लास्ट एपिसोड अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग ने मिस्टी के साथ मिलकर पूरा का पूरा माउंट मून घुमा है, तो ज़रूर चेकआउट करो। पसंद आता है तो लाइक करेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो चलते हैं सीधा, अभी चेकआउट करते हैं आगे क्या होने वाला है। हम लोग अभी सरोलियन सिटी की तरफ तो पहुंच चुके हैं, तो मैं गारंटी नहीं देता कि हम लोग आज के एपिसोड में बैटल करेंगे। गारंटी ये भी देता हूं कि मैं आज के एपिसोड में बैटल करने की कोशिश करूंगा। पहले तो हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं इस बंदे के साथ, जो बंदा काइंड ऑफ अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा है। और ओके, शी वॉज अलाइव, ओके, तो उसने अडॉप्ट कर लिया, तो मुझे लगता है इसकी वाइफ ऑफ हो गई है। सारे वाइफ जो भी पोकेमॉन मरे रहेंगे तो मुझे लगता है वो हम लोग को मिलेंगे सारे के सारे लेवेंडर टाउन के अंदर, और वहाँ पे ही मिल सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। इन्होंने किधर ग्रेवियार्ड बांधा हुआ। ठीक है, रन कर लेते हैं। एकेंस मुझे चाहिए भी नहीं वैसे भी यार। एकेंस किसको पसंद है खाली हाथ ऊपर कर लो भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना। और एन बेरी हम लोग को मिल चुकी है, तो बेरीज का जो पिछाड़ा है वो शुरू हो चुका है। वैसे पीछा बेरी मिली और एन बेरी भी मिल चुकी है हम लोग को, और दो तीन बेरीज बाकी हैं। मिशी आ चुकी है यहाँ पे हम लोग को ग्रैंड वेलकम करने के लिए सरुलियन सिटी के अंदर, लेकिन उस बंदी ने बताया नहीं उसका घर कहाँ है। यस, मैं वही बोल रहा हूँ, उसका घर कहाँ पे पता नहीं। ठीक है, इसके साथ बात कर लेते हैं, मर्लिन के साथ। और ये मर्लिन बंदा जो है बता रहा है कि वो वाटर टाइप को कैसे हरा सकते हैं। ओके, ओ ये बंदा क्या बताने वाला है। TM18 दिया, मुझे लगता है TM18 है वाटर पल्स। यस, TM18 वाटर पल्स हो सकता है, रेन डांस भी हो सकता है। TM18 रेन डांस ही हो सकता है, ना कि वाटर पल्स। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम लोग बाद में चेकआउट करेंगे। अभी यहाँ पे स्विमर बंदा है, उसके साथ बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ चाहिए थी और मुझे लगता है नहीं ये सिटी के अंदर ये चीज़ मिलने वाली है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कुछ तो था, लेकिन पहले पोकेमॉन्स को हील कर लेते हैं, नहीं तो बाद में पता चला वो बंदा बैटल करने वाला था हम लोग के साथ। ठीक है, ये चीज़ नहीं चाहता, इनके साथ बात करके देखते हैं। डिजीमॉन के बारे में बात कर रहे हैं, वॉर क्रेमॉन, और आपका डिजीमॉन कौन सा फेवरेट है वो भी मुझे बता दो भाई। मेरा है, मतलब मैंने इतना ज़्यादा डिजीमॉन देखा नहीं है, लेकिन जो हमेशा हमारे एंटागोनिस्ट के, सॉरी प्रोटागोनिस्ट के पास रहता है, वही वाला मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि दिखने में भी अच्छा लगता है वो। और बाद में एंजेलोमॉन करके भी कोई तो था, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे राइट कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर। तो एंजेलोमॉन भी मुझे पसंद था, अच्छा खासा था। और यहाँ पे अनदर चैप्टर स्टार्ट होगा जो स्लोपोक का है, यहाँ पे जाके देखते हैं। और आपको पता ही है कि सरोलियन सिटी के बाजू में एक केव है जहाँ पे हमेशा हमको फायर रेड के अंदर म्यूटू मिलता है। यहाँ पे म्यूटू मिलता है कि नहीं देखते हैं। डोजो ब्रदर्स मिले हम लोग को यहाँ पे, ये है म्यूटू 1 और वो है म्यूटू 2। गई भैंस पानी में यार, नहीं यहाँ पे हम लोग को नहीं सीखने हैं अटैक्स। मुझे पता है मेगा किक और मेगा पंच सिखाएंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़। चलो बैक जाते हैं, कुछ भी मतलब नहीं बनता है इस चीज़ का, क्योंकि नहीं सीखना चाहता। उनको बाहर रखो, खास केव में रखा हुआ है भाई, अलग ही फील दे रहे हैं उन लोग को। इसके साथ बात करके देखते हैं ये क्या है, मिस्टीरियस एंटिटी। और मैंने डरा दिया क्या उसको, यहाँ पे नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या बात चल रही है, बंदी ब्रिक, ओके, लेकिन कुछ भी बात नहीं कर रही है। साइडक पकड़ सकते हैं ना हम लोग, साइडक अच्छा है, लेकिन हमारे पास पॉली है तो साइडक क्यों पकड़े। यहाँ पे बुड्ढा क्या बात कर रहा है, सरोलियन सिटी जिम लीडर के बारे में बात कर रहा है, और सरोलियन सिटी जिम लीडर मुझे पता है कौन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो दूर जरूर करेंगे आज के एपिसोड के अंदर। पुअर चॉइस ऑफ वर्ड, व्हाट डू यू मीन, व्हाट टुक मी सो लॉन्ग। अरे भाई, तूने घर ही नहीं बताया कहाँ पे है, तो मैं अभी घूम ही गया ना ऑलमोस्ट, और मैं ऑलरेडी हूँ जोरो जैसा, तो मतलब पाथ पूरा उसके अंदर में पाथ देता है पूरा, मुझे पसंद नहीं है यार ऐसे बड़े बड़े पाथ्स। तो श्योर इज, और लेडी मिस्टी द गेस्ट रूम इज रेडी, ओके, तो उसको पता है हम लोग आ चुके हैं, तो उसके वजह से उसने पूरा का पूरा प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। और हम लोग, मुझे लगता है कि फ्यू मंथ्स लेटर, मुझे लगता है यही तक थी हमारी जर्नी पोकेमॉन फायर रेड की, क्योंकि इसके बाद मिस्टी के साथ शादी कर लेंगे, उसका घर बसाएंगे और हम लोग बन जाएंगे कैस्केड जिम के ओनर। तो ठीक है, चलता है, नहीं तो मैं खुद का जिम खोल लेगा, उसमें से कोई भी चीज़ चल सकती है वैसे तो, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यार ये फ्यू मंथ्स लेटर बोल रहा है, तो मतलब फ्यू मंथ्स लेटर मतलब बहुत ही ज़्यादा महीने हो गए, और ये महीने के अंदर में एक एक गेम प्ले खेलता है, तो उस हिसाब से क्या हो गया भाई। तो
मतलब ऑलमोस्ट उस बंदी ने मुझे महीने तक रोक के रखा, तो सोचने वाली बात है। ओके, और ये बंदी हम लोग को समझाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि हम लोग आगे की जर्नी भी कैरी करें, लेकिन हमारा जो रेड बाबू है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम लोग को मेड ने दिखा दिया हमारा गेस्ट रूम, अच्छा खासा एक बेड है, एक पौधा है और एक नीचे पूरा सतरंजी है, तो ऊपर नहीं सो के नीचे भी सो सकते, डिपेंड अपॉन कैसे सोना है वैसे सो जाओ। बाहर विंडो भी है, शुड आई गो टू स्लीप? यस डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग को हिल भी करना था। और ये क्या था? व्हाट वाज दैट साउंड? व्हाट वाज दैट साउंड? व्हाट वाज दैट साउंड? क्या है भाई यहाँ पे? स्टारमी है यहाँ पे, तो स्टारमी से बात करते हैं, लेकिन स्टारमी बात करने के मूड में नहीं है और मुझे पता है स्टारमी कौन है। ये स्टारमी है, मिस्टी का स्टारमी, मारने के लिए भेजा है मुझे। मिस्टी भी टीम रॉकेट की मेंबर हो सकती है गाइस, पता नहीं यार, रात को भेजते हैं मारने के लिए मेरे को। लेकिन हम लोग अभी पॉली को यूज़ करेंगे, हिप्नोसिस देंगे और उसके बाद मैं पिकाचू पे स्विच करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पॉली को कोई ऐसा अटैक सिखा दूँ कि वो वाटर टाइप को हरा सके। मुझे बता दो ऐसा कौन सा अटैक है जो वाटर टाइप को हराने के लिए काम आएगा, तो हम लोग वो चीज़ उनको सिखाने की कोशिश करेंगे हमारे पॉली को। थंडरबोल यूज़ कर लेते हैं, स्लीप से वजह से बेचारा हम लोग स्लीप, हमारे जो नींद उसने पूरी उड़ा दी ना, तो हम लोग ने उसको उसके लिए सुलगा दिया। तो नेक्स्ट डे और हम लोग इस समबड़ी आफ्टर मी, और हम लोग ने ये सारी चीज़ें अभी मिस्टी को बता दी है। मिस्टी इस पर क्या रिएक्ट करती है पता नहीं। एक्सक्यूज मी सर, डू यू नीड एनीथिंग? ओके, तो हम लोग अभी पूछ रहे हैं उसको कि सरोलिन सिटी जिम का जिम लीडर कौन है, हम लोग को उसका, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे सरोलिन सिटी की जिम लीडर, तो वो बोल रही है कि सरोलिन सिटी जिम में अंदर आ जाओ, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन है। मेड के साथ बात करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, मेड्स खाली आपको कुछ चीज़ें बताती है, लेकिन आपको उनके साथ बात करके कुछ मतलब नहीं बनने वाला। यहाँ पे है सरोलिन सिटी जिम, जिसके अंदर हम लोग अभी घुसेंगे। जिम को पूरा मैं बोल सकता हूँ रीएस्टेब्लिश किया है उन्होंने। आर यू द जिम ट्रेनर, जिम लीडर? सॉरी, तो यस, यहाँ पे हम लोग को पता था मिस्टी ही है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन ज़रूर था। तो मिस्टी ने ही स्टार्टिंग से संभालना शुरू किया था, और स्टारमी ने यहाँ पे अटैक करना भी शुरू किया है, क्योंकि मिस्टी थोड़ी सी गुस्से में, हम लोग ने काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि मिस्टी ने नहीं रोक के रखा था, हम लोग थोड़े लेजी हो गए थे माउंट मून के अंदर। हम लोग ने जो बड़े बड़े बैटल किए उसके वजह से हम लोग थोड़े लेजी हो चुके थे, तो वो एपिसोड भी चेकआउट कर सकते हो जो लास्ट एपिसोड है डेफिनेटली। वाई ऑल ऑफ ओके ऑल ऑफ सडन ऐसी चीज़ तुम बात कर रहे हो? तो इसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग आ जाएंगे हमारे प्रेशर माइंड के अंदर, और डेफिनेटली हम लोग बैटल करने जाएंगे सरोलिन सिटी जिम लीडर के साथ। लेकिन मैं अभी वही सोच रहा हूँ कि सरोलिन सिटी जिम लीडर के साथ कब बैटल करूँ, अभी बैटल करूँ या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बैटल करूँ। यस डेफिनेटली, उसने ये सारी चीज़ें हम लोग को समझाने के लिए की थी, जो मैं काइंड ऑफ मतलब रेड ने काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग में ली, और ये बंदी वही चाहती थी। अभी हम लोग पोकेमॉन्स को हील करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग बैटल करेंगे सरोलिन सिटी जिम लीडर के साथ। आज का एपिसोड इतना के लिए गाइस, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ें रिवील करना चाहते थे और चीज़ें रिवील हो चुकी है। हम लोग ने पूरा सर्वे सिटी देख लिया है, और ये जो कोई एंटिटी दिखा था वो कौन सा एंटिटी पता नहीं, तो हम लोग उसको फ्यूचर में ज़रूर चेकआउट करेंगे। तो उसके लिए आपको सीरीज के अंदर बने रहना पड़ेगा। आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सजेस्ट करना है कुछ तो कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट कर देना, और चैनल को सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना, और आगे की वीडियोज़ देखने हैं तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑसम से पोकेमॉन रेड एडवेंचर चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।